सुन द हीरोइक टेल्स ऑफ पृथ्वीराज वेल रिज संयोगिता डॉटर ऑफ जयचंद। शीघ्र ही पृथ्वीराज चौहान के साहस की जो बात धुरी भरी जो कहानी थी वो संयोगिता जो जयचंद की बेटी थी उसके पास पहुंचती है। द किंग ऑफ कन्नौज जयचंद जो है कन्नौज का राजा था, विदाउट सीइंग हिम बिना उसको देखे हुए इन पर्सन She decided that she will marry him। वह उस व्यक्ति को बिना देखे हुए निर्णय लेती है कि वह जो है उससे जो है शादी करेगी एंड नो वन एल्स और किसी से नहीं। रिलेशन बिटवीन जयचंद एंड पृथ्वीराज आर स्ट्रेंट। जो संबंध थे जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में वे काफ़ी खिंचाव के थे, स्ट्रेंट थे। जयचंद हैड डिसाइडेड टू परफॉर्म द राजसी यज्ञ टू असर्ट देयर हिज सुपीरियरिटी ओवर द राजपूत किंग। जयचंद ने निर्णय लिया था एक राजसी यज्ञ धारण करने का, अपनी जो सर्वोच्चता थी राजपूत राजाओं के अंदर सिद्ध करने के लिए। पृथ्वीराज हाउएवर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट जयचंद सुप्रीमेसी। पृथ्वीराज ने यद्यपि जो जयचंद की जो सर्वोच्चता थी राजपूत राजाओं के अंदर उसको जो है उसने स्वीकार करने से मना कर दिया। एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ देयर एनिमिटी, और इससे उनकी जो दुश्मनी थी वो आरंभ हो गई थी। सीन इन राजा जयचंद कोर्ट इन कन्नौज। सीन जो है राजा जयचंद के दरबार में है कन्नौज में। ही इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन, वह अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है। जयचंद वी विश टू होल्ड द स्वयंवर सेरेमनी ऑफ आवर डॉटर। जयचंद कहता है वी विश, हमारी इच्छा है हम जो है एक स्वयंवर का जो उत्सव मनाएं अपनी बेटी के लिए, संयोगिता टू विच ऑल ऑफ द किंग विल बी इन्वाइटेड। संयोगिता टू विच ऑल ऑफ द किंग विल बी इन्वाइटेड, जितने भी राजा उनको जो जिनको भी आमंत्रित किया जाएगा, विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के सिवाय। एज सून एज संयोगिता हियर दिस, जैसे ही संयोगिता को ये सुनाई दिया, सी सीक्स एन ऑडियंस विद हर फादर। सी सीक्स, वह देखती है कि ऑडियंस जो है विद हर फादर उसके जो है पिता के पास था। संयोगिता, फादर पृथ्वीराज चौहान हैज़ मेड ए पैलेस फॉर माई सेल्फ इन माई हर्ट। संयोगिता कहती है पिताजी पृथ्वीराज चौहान ने जो है स्वयं मेरे दिल के अंदर अपना स्थान बनाया है। एंड आई हैव डिसाइडेड, और मैंने निर्णय लिया है टू मैरी नो वन एल्स, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी बट हिम, लेकिन मैं उसके साथ करूँगी। यू हैव टू इन्वाइट हिम ऑन द स्वयंवर, आपको उसे स्वयंवर के अंदर आमंत्रित करना पड़ेगा। जयचंद एंड्रेज, जयचंद गुस्से में हो जाता है। दिस इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। इट कांट हैपन, ये नहीं हो सकता है। माय एनिमी कांट बी योर बी थ्रोड, मेरा जो दुश्मन है वो आपका जो है पति नहीं हो सकता। अपॉन सीइंग हर फादर्स एटीट्यूड, अपने पिता का रवैया देख करके संयोजिता लीव द कोर्ट एंड रिट्रीट टू हर रूम, वो जो है दरबार को छोड़ देती और अपने कमरे में चली जाती है। वेयर शी कंटम्पलेट हर कोर्स ऑफ एक्शन, जहाँ पर वह जो काफ़ी विचार करती है अपने कार्यों के ऊपर। फाइनली, आखिरकार शी समन्स एन अटेंडेंट, आखिरकार वह एक अटेंडेंट को बुलाती है इन सीक्रेट गुप्त रूप से। एंड हैंड हिम ए लेटर टू बी डिलीवर्ड टू पृथ्वीराज चौहान, और उसको जो है पृथ्वीराज चौहान को देने के लिए एक पत्थर थंबाती है। इन विच सी डिक्लेयर, जिसमें वह घोषणा करती है हर लव, अपना प्यार फॉर हिम उसके लिए। एंड इनवाइट हिम, और उसको आमंत्रित करती है टू हर स्वयंवर सेरेमनी, अपने स्वयंवर की सेरेमनी के अंदर, उत्सव के अंदर। अटेंडेंट हैंडिंग ओवर द मैसेज, मैसेज को लेकर के, माय सैल्यूटेशन टू यू, मेरा आपको
नमस्कार है, सलाम है। ओ किंग, अरे राजा, द प्रिंसेज ऑफ कन्नौज संयोजिता, जो कन्नौज की राजकुमारी संयोजिता है सेंट यू दिस मैसेज, उसने आपको यह संदेश भेजा है। पृथ्वीराज चौहान रीड द लेटर एंड इज हैप्पी विद इट्स कंटेंट। पृथ्वीराज चौहान जो है रीड द लेटर पत्र को पढ़ता है एंड हैप्पी और खुश हो जाता है विद इट्स कंटेंट, इसके द्वारा जो लिखा गया था उससे जो खुश हो जाता है। रिटर्न्स टू कन्नौज एंड टेल योर प्रिंसेस दैट आई एक्सेप्ट योर हर प्रपोजल। रिटर्न टू कन्नौज, कन्नौज वापस से ले जाइए एंड टेल योर प्रिंसेस, और अपनी राजकुमारी को बता दीजिए दैट आई एक्सेप्ट हर प्रपोजल, कि मैंने उसका जो प्रस्ताव उसको स्वीकार कर लिया है। इन द मीन वाइल, इसी दौरान जयचंद इज बिजी मेकिंग प्रिपरेशन, इस दौरान जयचंद जो है तैयारियों में व्यस्त है, फॉर द स्वयंवर, स्वयंवर की तैयारियों में, एंड आल्सो थिंकिंग ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ ह्यूमिलिएट पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के जो तरीके हैं उनके बारे में सोच रहा है। जयचंद मिनिस्टर, जयचंद कहता है मिनिस्टर गेट ए स्टेचू ऑफ पृथ्वीराज, कि पृथ्वीराज का एक स्टेचू तैयार करो, मेड बना दीजिए, एंड पैलेस इट एट द एंट्रेंस ऑफ माई पैलेस, और इसको मेरे महल के प्रवेश द्वार पर रख दीजिए, सो दैट, ताकि ऑल हु पार्टिसिपेट इन द स्वयंवर, ताकि वो सभी जो इस स्वयंवर के अंदर हिस्सेदारी लेने के लिए आएंगे मैं सी वे ये देखेंगे दैट आई हैव मेड हिम माई गेट कीपर, कि मैंने उसको अपना गेट कीपर बनाया है। सून दिस न्यूज़ रीच इज पृथ्वीराज चौहान, शीघ्र ही यह खबर जो है पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचती है। मैसेंजर ओकिंग, मैसेंजर जो संदेशवाहक है वो कहता है राजा वी हैव रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, हमने सूचना प्राप्त हुई है दैट जयचंद हैज़ इंस्टॉल्ड योर स्टैचू एट द गेट ऑफ हिज पैलेस, कि जयचंद ने अपने महल के गेट के ऊपर आपका स्टैचू जो है वो स्थापित किया है। ही हैज़ रिसीव्ड योर स्टैचू टू ए मियर गार्ड, उसने जो है आपका, ही हैज़ रेड्यूस योर स्टैचू, उसने आपका जो स्टैचू हो केवल एक गार्ड के रूप में रखा है। पृथ्वीराज चौहान इंद्रेज गुस्से में, द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन आई शैल टीच जयचंद लेसन, तो पृथ्वीराज चौहान गुस्से में कहता है कि मैं जयचंद को एक पाठ पढ़ाऊंगा, तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग आई विल सेंड यू। ओके।